तो हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है कॉमिक न्यूज के चौथे एपिसोड में, जहां हम कवर करते हैं एनिमे जगत की न्यूज को। और हाँ, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि कॉमिक न्यूज के काफी सारे एपिसोड डिले हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। बट टेंशन नॉट फैमिली, अब से रेगुलर वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस, हमारी पहली खबर इतनी ज्यादा कमाल की और मजेदार है जिसे सुनने के बाद जेजे के फैंस खुशी के मारे नाचने लगेंगे। जी हाँ, लिटरली गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जेजे के सीजन 2 का ब्लूरे वर्जन फाइनली रिलीज हो चुका है। तो मित्रों, इस ब्लूरे वर्जन में सुगना वर्सेस माहौरागा की फाइट में काफी सारे सीन्स को ऐड करा गया है। इवन इसके एनिमेशन को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करा गया है। और ट्रस्ट मी गाइस, सुगना वर्सेस माहौरागा की ये वाली फाइट बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि जैसा कि मापा के एनिमेटर्स ने कहा था ना कि वो इस फाइट के अंदर अपना 100% नहीं दे पाए, ये सिर्फ उनके काम का 30% है। तो इस ब्लूरे वर्जन के अंदर उन्होंने अपना 100% दिया है। और जुजुत्सु काइसन की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, शिबुया इंसिडेंट के एपिसोड 17 से लेकर 20 तक के ब्लूरे वर्जन को जापानीज थिएटर के अंदर 29 मार्च से अप्रैल 4 तक स्ट्रीम करा जाएगा। वेल गाइस, हमारी अगली खबर वन पंच मैन से रिलेटेड है। तो वन पंच मैन के मांगा रीडर को पता होगा कि वन पंच मैन की मांगा भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट लेवल पर चल रही है जब से वो निंजा स्टोरी आर्क के अंदर एंटर करी है। तो रिसेंटली वन पंच मैन के ऑथर युसोको मोराटा ने चैप्टर 195 में कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे कि कुछ पैनल को रीड्रॉ करा है, साथ ही इसके एंडिंग को भी ट्वीक करा गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कंफर्म करा है कि वेब कॉमिक के अंदर जैसी स्टोरी थी उससे थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्जन आएगा मांगा की सीरीज में। सीधे शब्द में कहने का मतलब है कि वेब कॉमिक के अंदर जैसी स्टोरी थी, मांगा की स्टोरी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसी के साथ हमारी अगली न्यूज आती है हाईक्यू की न्यू मूवी से। तो हाईक्यू की न्यू मूवी डिस्कसेस बैटल ऑफ द गार्बेज डंप 2 हफ्ते जापानीज थिएटर के अंदर कमाल दिखाने के बाद फाइनली अब दूसरे पोजीशन पर आ चुकी है, जहां यह मूवी अब तक 5.44 मिलियन येन यानी कि 34.5 यूएस डॉलर कमा चुकी है। वहीं डेमन स्लेयर की न्यू मूवी डेमन स्लेयर 2 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अब तक 1.92 मिलियन येन यानी कि 12.8 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ इसने अपने 5th वीक के अंदर भी नंबर 7 पोजीशन को होल्ड करके रखा है। वेल गाइस, अब तुम्हारे भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाईक्यू की मूवी को डीथ्रोन आखिरकार करा किसने। वेल गाइस, इसका पूरा श्रेय जाता है डोरेमोन की न्यू मूवी को। और ये मूवी जापान में हाल ही में रिलीज हुई है और इसने अपने 1st वीकेंड के अंदर 6.55 मिलियन येन कमाए अपने 1st वीकेंड के अंदर। वेल, डोरेमोन की मूवी इतना तो डिजर्व करती है। बाकी सॉरी गाइस, आज तबीयत खराब होने की वजह से कॉमिक न्यूज का एपिसोड इतना ही था, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे चैनल के और भी वीडियोस को देख सकते हो, जैसे कि तोजी वर्सेस माहौरागा की फाइट, या फिर तोजी वर्सेस जोगो की, या फिर तोजी वर्सेस माहितो की फाइट। और इसी के साथ अगर सुगुना वर्सेस गोजो की फाइट में माहौरागा नहीं होता तो इस फाइट का रिजल्ट क्या होता, ये भी तुम आई बटन के ऊपर टैप कर देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।